सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टोयोटा हाइलक्स। ये डबल कैबिन है 4x4 और इस गाड़ी को कहते हैं हाइलक्स ई, टोयोटा हाइलक्स ई। टोयोटा हाइलक्स सिंगल कैबिन जो कि 4x2 वाली है उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसमें 4x4 भी आती है, लेकिन 4x2 का आप रिव्यू देख सकते हैं। आज जिसका हम कर रहे हैं ये डबल कैबिन 4x4 है, इट्स नोन एज हाइलक्स ई और ये 2019 मॉडल है। इसका रिव्यू मैं स्टार्ट करता हूँ और की आपको मैं दिखा दूँ इसकी, कुछ इस तरह की है बेसिक की। बेसिकली हाइलक्स 4 के फ्रंट पर आप देखेंगे तो हैलोजन लाइट्स आपको मिलेंगी बेसिक, और फॉग लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल है। प्लास्टिक रियल क्रोम एम्बलम मिलेगा टोयोटा का, आपको फॉग लाइट्स मौजूद हैं। टायर आपको दिखा दूँ, बेसिक टायर हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है। 2.8 D4D इंजन है, ब्लैक कलर के साइड आपको डोर मेज मिलेंगे, वाइट कलर बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे इसके अंदर। कमिंग एट द बैच 4x4 द हाइलक्स ई, हाइलक्स 4x4 डबल कैबिन हाइलक्स ई के अंदर मैं जा रहा हूँ। बेसिक चाबी है इसकी, बाकी आपको वो प्लास्टिक ही मिलेगा अंदर, लेदर वगैरह कुछ नहीं होता है इसके अंदर, प्लास्टिक मिलेगा और लेदर टेक्सचर डिज़ाइन जिसको कहते हैं वो मिलेगा आपको। एक क्लोजअप दिखाऊं, प्लास्टिक आपके पास, रिट्रेटेबल विंडोज हैं बेसिकली। मिरर आपको मैनुअली एडजस्ट करने हैं हाथ से, सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं आप बैठ कर लें। टर्न सिग्नल आप इसके राइट पर ही हैं। हाइलक्स सिंगल कैबिन के अंदर भी इंटरफेस सारा यही है, करोला जैसा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इसके अंदर। आपको हाइलक्स ई के अंदर एसी मिलेगा डबल कैबिन के अंदर। ये आपको हाइलक्स रिवो की तरह ही 6 स्पीड मिलेगी और आपको रिवर्स जो है वो ऑल द वे आपको लेफ्ट पर करके ऊपर करना है। हैंड ब्रेक स्टीयरिंग कंफर्टेबली दो बंदे आप बिठा सकते हैं विद द मैक्सिमम हाइट ऑफ 5'8" 5'9" बाकी कंफर्टेबल रहें। स्पेस आपके पास ऊपर भी मौजूद है, स्पेस आपके पास ग्लव बॉक्स में। स्पीकर को दिखा दूं, रोटेटेबल विंडोज एंड एवरीथिंग। ड्राइवर साइड पर नो वैनिटी मिरर, लाइट, सनग्लासेस होल्डर। लेफ्ट साइड पे वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपके पास स्पीडोमीटर, RPM मीटर आपके पास। ये तकरीबन आप हाइलक्स रिवो की जितनी भी सीरीज़ देखेंगे उसके अंदर तक सारे स्पीडोमीटर वगैरह सेम है। आपने हॉर्न भी चेक कर लिया, फ्यूल गेज वगैरह आप देख लें इसका। साइड पर आपको और कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बोनेट ओपन के लिए मिलेगा, हाथ से आपको एडजस्ट कर लें मिरर को। ये ट्रिप के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सो गियर आपको मैं फिर समझा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल द वे 6, ये आपका रिवर्स लगेगा इस तरह एंड इट्स इन न्यूट्रल पोजीशन एट द मोमेंट। हैंड ब्रेक उसके लिए विल स्टार्ट अप, स्टार्ट मैंने कर लिया। एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, बंद कर देता हूँ। इम्प्रूव प्लास्टिक पहले से, इसका फैन मैं ऑन करके एसी इसका क्योंकि मौजूद है, हम इसका एसी टेस्ट कर लेते हैं। डिफ्रॉस्ट मौजूद है, डिफ्रॉस्ट को टर्न करके हम फ्रंट एंड डाउन पर कर लेते हैं। ज़बरदस्त, तो मुझे अभी से ही काफ़ी अच्छा बता रही है। नीचे अगर फीचर्स की बात कर लूँ मैं, ये तो आपके पास हाई नॉब आ गया ना, हाई लुक है, पुश करके आप इसको कर सकते हैं। आपका डिफरेंशियल लॉक यहाँ पर नीचे आ जाता है, साथ आपके पास 12 वोल्ट चार्जिंग लॉक मौजूद है। अभी हम थोड़ी देर इसका कूलिंग टेस्ट करते हैं। काफ़ी स्मूथ मूवमेंट है स्टीयरिंग व्हील की एंड वाइपर कंट्रोल आपके पास लेफ्ट साइड पर ही मौजूद है। अभी इसकी थ्रो की मैं बात करूं तो काफ़ी डिसेंट थ्रो मुझे प्रोवाइड कर रही है। हैज़र्ड्स आप टाइम वगैरह यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, या आपके पास डिजिटल क्लॉक मौजूद है।
बैक सीट पे सभी मैं इसकी चेक कर लेता हूँ। प्लास्टिक आपके पास बटन होल्डर मौजूद है, स्पीकर आपके पास बैग पर भी। स्टीयरिंग पोस्चर इसका बिल्कुल सीधा है, लॉन्ग जर्नीज के लिए आप इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सीट बेल्ट आपको मैं दिखा दूँ। रियर फ्लोर इसका फ्लैट नहीं, इसे जो दरमियान में बंदा बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑल्सो 6 फीट से अगर आप अबव है 6 फुट से तो आपकी लेग स्पेस जो है वो तंग है, आप बैठते वक्त आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पाँव जो है फंस सकते हैं। हाइलक्स E4x4 डबल कैबिन की ट्रंक स्पेस चेक करवा रहा हूँ आपको। बनिस्पत सिंगल कैबिन के कम है, जाहिर सी बात है आपके पास पीछे ज़्यादा स्पेस होती है अगर ये सिंगल कैबिन होती, लेकिन फिर भी काफ़ी इसी ज़्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं। इसको ऊपर कर लेता हूँ और आपको बैक से दिखाऊँ तो काफ़ी डिसेंट स्पेस है। हाइलक्स E5 साइड पर आ चुका हूँ, इसके अंदर आपके पास 2800 cc जो कि 2755 cc का डीजल इंजन मौजूद है। AGS की बैटरी इंस्टॉल्ड है। साउंड आप इसका सुन लें, माइलेज इस वक्त आप इसकी स्पीड और मेंशन देख रहे हैं, बाकी आपको मैं डिटेल में ये दिखा रहा हूँ। AC का थ्रो इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। एंड आई होप कि आपको हाइलक्स 4x4 डबल कैबिन हाइलक्स ई बेसिकली का रिव्यू पसंद आया, 2019 मॉडल था और आपको सारी स्पेक्स डिटेल में एक्सप्लेन की गई। प्राइसेस की आपको अभी इस वक्त यहाँ पर मेंशन दिख रही होगी, इसकी प्राइसेस गाड़ी के अंदर वैसे डिटेल पिक्चर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर दूंगा, देखने मत भूलिएगा। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ आता रहूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले थोड़ा रिस्पॉन्स सुना दूँ आपको। अल्लाह हाफिज़। ये रिव्यू पॉसिबल हुआ है टोयोटा इस्लामाबाद मोटर्स की तरफ से, जो कि इंडियन स्पोर्टेड कंपनी की ऑफिशियल डीलरशिप है इस्लामाबाद में। इट इज़ लोकेटेड इन G6 सपारा। तो डेफिनेटली जितनी भी गाड़ी का रिव्यू आप देखेंगे वो आप ब्रांड न्यू यहां से परचेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके।